अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम गयूर हसन खान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी वीडियो में सबटाइटल को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वो भी फ्री में, बगैर किसी ऐप के, और अपनी वीडियो की रीच को बढ़ा सकते हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस तक अपनी वीडियो को पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब हम वीडियो में सबटाइटल ऐड करते हैं तो देखने वाला हमारी वीडियो को किसी भी जबान में आसानी से देख सकता है। अगर मैंने अपनी वीडियो उर्दू में बनाई है तो मैं आसानी से इसको किसी भी जबान में चेंज कर सकता हूं। इससे मेरे व्यूज ज्यादा आएंगे और इससे मेरी अर्निंग भी बढ़ेगी, और मैं इस सर्विस को फाइवर पे सेल करके और यूट्यूबर को सेल करके अर्निंग भी कर सकता हूं। 90% लोग सबटाइटल को अपनी वीडियो में यूज नहीं कर सकते ये सोच के कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सर्विस यूट्यूब की अपनी बिल्ट इन है और उनको ये चीज यूज करना नहीं आता। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सबटाइटल को अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं और इस सर्विस को किस तरह आप फाइवर पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम अपनी वीडियो में सबटाइटल को कैसे लगाएंगे। ये देखिए, हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और अब मैं आता हूँ गूगल क्रोम पे। यहाँ पे आने के बाद हम अपना यूट्यूब का अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपने आते हैं यूट्यूब स्टूडियो में जहाँ हमारी वीडियो है जिसपे हम सबटाइटल लगाएंगे। ये देखिए, मैं आ जाता हूँ इसके बाद कंटेंट में। मैं आपको पुरानी वीडियो में सबटाइटल लगा के दिखाता हूँ। अब मैं इसको ले लेते हैं, इस पे हम लोग सबटाइटल लगाते हैं, ठीक है। मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पे सबटाइटल अभी नहीं लगेंगे। तो ये किस तरीके से आ रही है, देखिए ये वीडियो प्ले हुई और इस पे अभी कोई सबटाइटल नहीं आ रहे। ये देखिए, अभी कोई सबटाइटल नहीं आ रहे, ठीक है। तो अब हम इस पे लगाते हैं सबटाइटल। सबसे पहले हम आ जाते हैं सबटाइटल के अंदर। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए इंग्लिश। यहाँ पे अभी क्या दे रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन इसकी इंग्लिश में आ रही है जो पब्लिश है, और हिंदी ऑटोमेटिक है, ठीक है। और ऑटोमेटिक कैप्शन, हम जैसे हमारी जो जबान है वो हिंदी और उर्दू तकरीबन सेम ही है, तो हम यूट्यूब पे हम उसको हिंदी कंसिडर करेंगे उर्दू को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक पर है। मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, इसकी एक डुप्लीकेट बना लूँगा, और डुप्लीकेट बनाने के बाद देखें यहाँ पे ये देखें, ये हिंदी हमारी लिखी हुई है। जो जो मैंने इस वीडियो में बोला है वो यहाँ पे टाइम फ्लैग के अंदर लिखा हुआ दे रहा है, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे हमने हिंदी वो तो सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन हमारी जो वीडियो है जो हमने अपलोड करी थी, डिटेल में आके चेक करेंगे हमने किस लैंग्वेज में अपलोड करी थी, क्योंकि यकीन मैं जब उसमें उर्दू बोल रहा हूँ तो मैंने उसको उर्दू में अपलोड करी थी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आके हिंदी सेलेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया कि भाई उर्दू तो है लेकिन क्योंकि हिंदी से मिलती जुलती है तो हम इसको यहाँ पे हिंदी कंसिडर करेंगे। मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको सेव करा दिया। अच्छा देखिए, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है, सबसे पहले आप आएंगे सबटाइटल में, वहाँ पे आपने आके क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट बनानी है, ठीक है। हिंदी देखें, वीडियो लैंग्वेज क्या है हमारी, हिंदी। और उसके बाद सेकंड स्टेप हमारी ये है कि हम डिटेल में आके यहाँ पे लैंग्वेज को भी हिंदी करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी लैंग्वेज को आराम से कन्वर्ट कर सके। यहाँ पे हमने हिंदी कर दी और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि देखें क्या आता है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास हिंदी आ गया है, ठीक है, लिखा हुआ आ रहा है, जो जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे सबटाइटल आ रहा है। अब हमें इसको क्या करना है, हमें इस सबटाइटल को इंग्लिश में लेकर आना है, ठीक है। सेम प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। देखें, जिस तरह हम हिंदी लेकर आए हैं इसी तरह हम इंग्लिश को ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो हमारी ट्रैफिक जो आता है, अगर हम पाकिस्तान में हैं तो आपको पता है कि उर्दू है, और हम बाहर जाते हैं तो मैक्सिमम जो ट्रैफिक हमारे पास है वो इंग्लिश लैंग्वेज वालों का है, ठीक है। इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो मैक्सिमम काफ़ी लोग समझ सकते हैं इजीली आराम से, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर। वैसे हम लोग इसको कितनी लैंग्वेज भी, जितनी लैंग्वेज भी ऐड करना चाह रहे हैं हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज को ऐड करता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा व्यूअर जो है अगर वो बाहर का है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करे, अगर उसको उर्दू नहीं आती। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद इंग्लिश सेलेक्ट करी, ठीक है। अब देखें इंग्लिश तो यहाँ पर आ गई है। अब उसके बाद देखें हमें मैं इसको यहाँ से ऐड कर दूंगा। देखें अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटो ट्रांसलेट का, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी ये हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जो हमने यहाँ पे ऊपर बोला था, आपने अपनी लैंग्वेज में बोला था, तो इसने उसको क्या करा, देखिए यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया टाइम स्लैब के हिसाब से, इसने पूरा हमें यहाँ पे कन्वर्ट करके हमें दे दिया। मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये क्या बता रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारी पब्लिश हो चुकी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी क्या नहीं आ रहा, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमें उसको भी क्या करना है, उसको भी कन्वर्ट करना है दूसरी लैंग्वेज, तो हम उसको भी यहाँ से क्या करेंगे, आपने इसमें से ये करना है, आपने इसको उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। सेम यहाँ पे जो है कंट्रोल ले करके आपने यहाँ पे ये कर दिया, पेस्ट कर दिया और इसको आपने पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमारी जो है यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुकी है, दोनों चीज़ें पब्लिश हो चुकी हैं, ठीक है, पब्लिश और ये भी पब्लिश। और इसके नीचे जो हमने यहाँ पे एक लिया था, देखिए ये भी पब्लिश है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, हमें हिंदी में नहीं चाहिए तो मैं इसको अनपब्लिश कर दूंगा, ठीक है। अब ये हमारे जो ये पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए ये वीडियो प्ले हो रही है। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर सी सी जो है ये देखिए हिंदी में आ रहा है। अब जो देखना चाह रहे हैं इंग्लिश में, मैं चाहता हूँ उसको यहाँ पर इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए दोनों लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पर आ रही है, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश भी आ रहा है। ऑटो ट्रांसलेट में देखिए हमारे पास ये सारी लैंग्वेज आ रही है, तो हम इसको किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें ये हमारा हो गया अफ्रीकन्स में, ठीक है। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ इंग्लिश, जैसे मैंने आप लोगों को इंग्लिश सिखाया है तो मैं इसको इंग्लिश में रख दूंगा, ठीक है। अब ये देखें जो जो मैं चीज़ें बोलूँगा वो यहाँ पे हमें
इंग्लिश में प्रोवाइड कर देगा। अब देखिए जो जो चीजें मैं बोलूंगा वो क्या करेगा, ये यूट्यूब का जो ये अपना बिल्टन है, बिल्टन सबटाइटल ऐड करने का जो है प्रोसेस है, ये इसको ऑटोमेटिक क्या है इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा है। हमें इसमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर वैसे भी पेड होते हैं, वो एक से दो सर्विस आपको फ्री में देंगे, उसके बाद वो पेड होते हैं, ठीक है। और उसमें एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें एरर के चांसेस ये आपका जो है तकरीबन 99.9% आपको सही देगा। कुछ जगह पे मिस्टेक कर सकता है, जहां पे आप बोलने में क्या करते हैं ग्लिच कर जाते हैं, तो वहां पे कर देगा, लेकिन ये 99.9% आपको ये सही कन्वर्ट करके देगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था, देखिए जिससे हमें क्या कर सकते थे, हम इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी वीडियो में सबटाइटल को ऐड कर सकते हैं और अपनी वीडियो की रीच को बढ़ा सकते हैं इंटरनेशनली, ठीक है। तो अब इस सर्विस को आप फाइबर पे किस तरह सेल कर सकते हैं, मैं आपको फाइबर पे दिखा रहा हूँ किस तरह से लोग गिग बना के काम कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप भी ये वाली सर्विस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि सब टाइटल की भी बहुत डिमांड चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हम लोग फाइबर पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉम्पिटिशन कितना कम है, सिर्फ यहाँ पे 1000 गिग्स हैं। और अगर मैं सेलर में आ जाता हूँ तो सेलर में आपको दिखाता हूँ क्या है, ये देखें 108 यहाँ पे लेवल वन पर है, लेवल वन पर इतने हैं, लेवल टू पे इतने, न्यू सेलर इतने, टॉप पे कोई इसमें है ही नहीं। और ये देखें मैंने आप लोगों को सिखाया कि आप इस तरह इस प्रोसेस को यूज करके किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें एक गिग को मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखें कितने चार्ज कर रहा है, 1523 रुपए चार्ज कर रहा है, और इसकी देखिए रेटिंग भी बहुत अच्छी है। और ये देखिए आई विल ट्रांसलेट एंड साइंस यूट्यूब इंग्लिश एंड जापानीज सबटाइटल, ठीक है, आई विल एड इंगेजिंग सबटाइटल टू योर इंस्टाग्राम रील। इस तरह इस तरह को इस ये प्रोसेस को आप यूज करके अपनी किसी भी इस प्रोसेस को आप यूज करके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या कर सकते हैं, सबटाइटल ऐड करने की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं आप अपने कस्टमर को, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर इसके पास आया हुआ है। तो इस तरह आप भी वर्किंग करके फाइवर पे सबटाइटल ऐड करके सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और इससे आप अर्निंग कर सकते हैं अच्छी खासी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस आपको पूरा समझ आया होगा और आप लोग इससे अपनी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं सबटाइटल एडिंग की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।